वह देखो भविष्य पुकार रहा वो दलित देश का त्राता है, सपनों का दर्शता जय प्रकाश भारत का भाग्य विधाता है। क्या बात है, राष्ट्रकवि दिनकर ने ये शब्द जो है ये लोकनायक जय प्रकाश नारायण के लिए यूज किए थे। बहुत ही पहले उनको पता चल गया था कि ये जो युवा है ना, जिसको लोग आइडल मानते हैं, अपने कंधों पर बिठा रहे हैं, ये एक दिन भारत को चमका देगा। तो आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी के बाद सबसे बड़े लीडर जिन्होंने देश को हिला के रख दिया था, कांग्रेस इंदिरा गांधी को उखाड़ के फेंक दिया था और पहली बार एक नॉन कांग्रेस सरकार आई थी। आज हम बात करेंगे जय प्रकाश नारायण की, लोकनायक, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है। आज सारी पॉलिटिकल पार्टियां जितनी भी हैं वो जय प्रकाश नारायण के गुण गाती है, लेकिन आइडियोलॉजी कोई नहीं मानता इनकी। जी हां, जो ये चाहते थे वो तो हुआ ही नहीं, वरना देश ही बदल जाता। बहुत सारे नेता, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे वो सुशील मोदी हो, चाहे वो मुलायम सिंह हो, हर कोई जय प्रकाश के लिफाफे से निकले थे। हर किसी ने जय प्रकाश, ये जो पूरा छात्र आंदोलन था जिसको जय प्रकाश ने लीड किया था, सब यहीं से ही उठ के आए थे। आज हम दोस्तों जय प्रकाश नारायण की बायोग्राफी देखेंगे। इतनी जबरदस्त लाइफ है, क्या बताऊं मैं। पार्ट वन, पार्ट टू में लेक्चर आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा। दोस्तों याद रखिएगा, मैं अगर कोई बायोग्राफी कवर करता हूं तो वो एक पूरी जिंदगी है। मुझे नहीं लगता कि किसी की, जब मैं लाइफ कवर करता हूं, इससे ज्यादा नॉलेज किसी को मिल सकती है, क्योंकि ये पूरी एक जिंदगी है। एक देश में क्या हो रहा है, कैसे आर्थिक हालात बदल रहे हैं, 50-60 साल का इतिहास आपको ये दो लेक्चर में मिल जाता है। हाँ, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, खुद से भी जितना रिसर्च करें उतना अच्छा है। लेकिन दोस्तों अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि सर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंस्पिरेशन तो है ही बायोग्राफीज, लेकिन एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कृपा करके अब मत पूछिए, मैं ये कम से कम 7वीं या 8वीं बार बोल रहा हूं। तो पार्ट वन, पार्ट टू में लेक्चर आएगा, हम बहुत कुछ जानने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। @reconnect मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं, हिंदी में भी पीडीएफ्स अवेलेबल है दोस्तों, जरूर अवेल करिए। साथ ही साथ स्टडी आईक्यू के टैबलेट पेन ड्राइव कोर्सेज हर एग्जाम्स के लिए आते हैं, आप इन नंबर्स पे कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए और भैया अपनी ड्रीम जॉब निकालो। हमारा शुक्रिया अदा करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, हम क्या क्या पढ़ने वाले, सबसे पहले तो इनकी लाइफ देखेंगे। इनकी लाइफ को तीन चरणों में, तीन फेजेस में बांटा जाता है। सबसे पहले तो ये मार्क्सिस्ट बन गए। जी हां भैया, कम्युनिस्ट थे ये, मार्क्सिस्ट बन गए ये, लेकिन यहां पे ये अलग तरीके के मार्क्सिस्ट थे। जिस तरीके से आपने देखा कि रशिया में क्या, सोवियत में क्या हुआ था, ऐसे मार्क्सिस्ट नहीं थे ये। चाइना में क्या हो रहा था, ऐसे मार्क्सिस्ट नहीं थे ये। ये वो मार्क्सिस्ट थे जो सच में मार्क्स की आइडियोलॉजी को मानते थे। कार्ल मार्क्स का मेरा 1 घंटे 5 मिनट का पूरा सेशन है, आपको आप देख लीजिएगा, दो पार्ट में है ये, आधे आधे घंटे का, आप देख लीजिएगा, अभी अपलोड हुआ है, बहुत कुछ पता चलेगा। दूसरा फेज जो चालू हुआ इनका, वो था सर्वोदया फेज। सर्वोदया फेज कमाल का दोस्तों, मतलब कमाल की इनकी जिंदगी रही है, क्योंकि एक ही टाइम पे हम बहुत सारी आइडियोलॉजीज देखते हैं। सर्वोदया फेज, अब इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो है समर्पित कर दी देश को, सब कुछ त्याग दिया, आचार विनोबा भावे को अपनी जिंदगी देती, जो वो मूवमेंट चला रहे थे उससे जुड़ गए। सर्वोदया मूवमेंट, आचार विनोबा भावे, भूदान मूवमेंट, ये सब मैंने कवर किया, सेपरेट सेशन से सारी चीजें कवर की हैं दोस्तों। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फेज एक रेवोल्यूशनरी का, ये हम देखेंगे अगले पार्ट में, ठीक है। और मूवमेंट्स देखेंगे दोस्तों, सबसे की मूवमेंट्स दोस्तों, आपको बता दूं कि जिस तरीके से कम्युनिज्म में क्या होता है कि अगर उनके हक नहीं मिलते तो वॉयलेंस करके बैंड बजा दो सबकी, ऐसा कम्युनिज्म में बोलता है। भैया मैंने बताया था ना, कार्ल मार्क्स में वो जो पिरामिड था कि सबसे ऊपर राजा महाराजा, वी रूल यू, फिर उसके बाद धर्म के लोग, वी फूल यू, उसके बाद वो लोग जो प्रोटेक्ट करते हैं कि हम इनको प्रोटेक्ट करते हैं और तुमको मार देंगे, और सबसे नीचे जो थे वो वर्किंग क्लास, हम लोग थे जो इन सबका भार उठाते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा एक टॉन्ट था, एक सार्केजम है कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर पे, ठीक है।
तो ये चीज है। अब दोस्तों यहां पे जब मूवमेंट्स हुए तो दोस्तों बिहार से ये छात्र आंदोलन पूरा शुरू हुआ था। तो जब ये मूवमेंट संभला नहीं, देखिए महात्मा गांधी की सबसे बेहतरीन बात क्या थी, महात्मा गांधी के जो मूवमेंट्स होते थे बहुत कंट्रोल होते थे। मास मूवमेंट में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि भैया कंट्रोल कैसे करेंगे, कुछ भी गड़बड़ हुई इधर से उधर हुआ पब्लिक गुस्साई होती है और वो बैंड बजा देगी, वो बिल्कुल वॉयलेंस करेगी, ठीक है, तोड़फोड़ करे ही करेगी ही करेगी। तो आपको मूवमेंट्स को कंट्रोल करना पड़ता और महात्मा गांधी इसमें कामयाब थे। तो यहां पे जब बिहार में आंदोलन हुआ तो बिहार में काफी हिंसा हुई। तो जब सारे छात्र गए जयप्रकाश नारायण के पास कि सर हमारा जो आंदोलन है वो लीड करिए, तो जयप्रकाश की एक ही शर्त थी कि ये जो पूरा का पूरा आंदोलन है ये बिल्कुल अहिंसक तरीके से होगा, जरा सा भी हिंसा हुई तो मैं वापस चला जाऊंगा। तो ये इनकी आइडियोलॉजी को दर्शाता है। ये वो वाले कम्युनिस्ट नहीं थे जो वॉयलेंस में विश्वास करते हैं, वो सब खैर मैं क्यों अभी बता रहा हूं मैं इसको सब अगले पार्ट में कवर करूंगा। आइडियोलॉजी जो है वो इनकी अगले पार्ट में कवर करूंगा। दोस्तों पार्टी लेस डेमोक्रेसी पे ये बिलीव करते थे। वैसे तो आइडियोलॉजी पे मैं बहुत देर तक, किसी की भी आइडियोलॉजी पे काफी देर तक मैं लेक्चर दे सकता हूं, और आइडियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आइडियाज, नए नए आइडियाज, आइडियाज ऑफ अ नेशन, किस तरीके से देश बनता है दोस्तों है, आज के जमाने में मैं बताऊंगा कि आज के जमाने में किस तरीके से जयप्रकाश नारायणन को देखा जाता है और जो पॉलिटिक्स इस समय हो रही है उसमें जयप्रकाश का क्या रोल है। आपको बता दूं कि जब भी आप मॉन्यूमेंट्स बनाने लगते हैं, आप स्मारक बनाने लगते हैं, बहुत अच्छी बात है, बनाइए। अभी हमने देखा सरदार पटेल का और भी काफी स्मारक बन रहे हैं, ठीक है उसमें कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल बनाइए, लेकिन जहां आप मॉन्यूमेंटाइज कर देते हैं वहां आइडियोलॉजी खत्म हो जाती है। आज जयप्रकाश नारायण की हर पॉलिटिकल पार्टी बात करती है लेकिन इनके आइडियाज को कोई इंप्लीमेंट करना ही नहीं चाहता। जयप्रकाश नारायण ने चार चीजें बोली थी कि चार चीजें बदल दो देश अपने आप बदल जाएगा। और जो सबसे बड़ी समस्या है, सबसे पहली बात तो करप्शन, जो पार्टीज में करप्शन है दोस्तों, आज जो है आज देखें भारत की पॉलिटिक्स को चंद कॉरपोरेट हाउस तो कंट्रोल कर रहे हैं। अगर कोई गरीब आदमी इलेक्शन लड़ना चाहे तो क्या वो लड़ सकता है? बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता, टिकट करोड़ों में बिकते हैं इलेक्शंस लड़ने के लिए, ये चीज। दूसरी चीज अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये इस समय भी बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई बहुत बड़ी समस्या है, और शिक्षा, शिक्षा की तो मैं क्या बात करूं दोस्तों, एजुकेशन रिफॉर्म आ नहीं रहे हैं, सरकारी स्कूलों की हालत किसी से छुपी। तो ये सारी चीजों को टारगेट करते थे जेपी, और जेपी चाहते थे इनको बदले। टोटल रेवोल्यूशन तो 1970 के दशक में इन्होंने दिया था जिसकी वजह से नया भारत बनने की नौबत आई थी, वो सात चीजों पे टारगेट कर रही थी। चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, अगले पार्ट में मैं बताऊंगा वो सात चीजें कौन सी थी। कुछ ज्यादा ही, बहुत बड़ी मैंने इंट्रोडक्शन दे दी है, पूरे वीडियो का जिस्ट तो मैंने शुरू में ही बता दिया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अब इनकी लाइफ को देखते हैं। तो जयप्रकाश जेपी का जन्म जो है, लोकनायक जेपी, मैं जेपी यूज करूंगा दोस्तों, तो जेपी का जो जन्म है उनका जन्म जो है वो 11 अक्टूबर 1902 में बिहार में हुआ था। भैया जितने भी महान लोग हैं ना सब बिहार यूपी से निकले हैं दिल पे मत लेना, वैसे बहुत सारे स्टेटों से निकले, मैं बता रहा हूं ऐसे, ठीक है, क्योंकि अक्सर जो है ना बिहार को बड़ा पिछड़ा हुआ समझा जाता है, ठीक है। अब खैर अच्छा उसको छोड़िए। तो यहां पे छोटे डिस्ट्रिक्ट, एक बहुत ही छोटे से गांव सारण गांव में इनका जन्म हुआ था, जो समय तो ब्रिटिश इंडिया के कंट्रोल में था। कायस्थ फैमिली थे ये, और चौथे बच्चे थे ये हरसू दयाल श्रीवास्तव, जो कि एक जूनियर ऑफिशियल थे, क्लर्क थे, जूनियर क्लर्क थे कैनाल डिपार्टमेंट। बहुत ज्यादा अमीर नहीं थे दोस्तों, ठीक है, बहुत ही मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी। और एक बार इनके पिताजी ने बोला था कि मेरा बेटा बड़ा महान बनेगा, पिताजी से बहुत अच्छा रिलेशन था दोस्तों, और माताजी इनको बहुत प्यार करती थी। बहुत ज्यादा रिलीजियस तो नहीं थे लेकिन फिर भी इन्होंने महाभारत भगवत गीता पढ़नी शुरू कर दी थी और बड़े इंस्पायर्ड हो गए थे, पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था। शुरू में तो दोस्तों इनकी जो शुरुआती पढ़ाई थी वो पटना में हुई, वहां पे ये हॉस्टल में रहे, और उसके बाद इन्होंने ये अमेरिका चले गए हायर स्टडीज के लिए। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसा हुआ उस समय कि इनकी लाइफ बदल गई। इनकी लाइफ दोस्तों ऐसा है कि इन्होंने मौलाना अबुल कलाम आजाद को लेक्चर देते हुए सुना। मौलाना अबुल कलाम आजाद बहुत ही ब्रिलियंट ओरेटर थे, वो युवाओं को संबोधित कर रहे थे और बता रहे थे कि युवा जो है भैया वो देश की रीढ़ की हड्डी है। और जब उन्होंने इनको सुना, क्योंकि दोस्तों उस समय क्या था, ये जो पूरा 1919 का जो एरा था, ठीक है, तो
यहां पे स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था कि भैया जितने भी इंग्लिश गुड्स है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात कर रहा हूं, जितने भी इंग्लिश गुड्स है उसको उठा के फेंक दो, ठीक है, तो इंग्लिश एजुकेशन से परहेज कर लो। और वो इतना बेहतरीन लेक्चर था कि उसी वक्त जयप्रकाश नारायणन ने अपने जिंदगी को त्याग दिया और उन्होंने बोला कि मैं इंग्लिश एजुकेशन पे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। और उसके बाद फिर चले गए वो बिहार विद्यापीठ पढ़ने, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसको खोजा था, फाउंड किया था, नींव रखी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बायोग्राफी भी मैंने रिव्यू की है दोस्तों, आप देख लीजिएगा। मीनवाइल दोस्तों, इनकी 1920 में प्रभावती देवी से शादी हो जाती है, 14 साल के उस समय होती है। अब दोस्तों उस समय तो बाल विवाह बड़ा ही कॉमन था, ठीक है, ये जो एज थी ये शादी करने के लायक ही मानी जाती थी। भारत बहुत सारे सोशल इविल्स, उस समय बहुत सारे सोशल इविल्स थे, ठीक है, किसी दिन मैं जरूर कवर करूंगा, एक एक चीजें बताऊंगा। सती प्रथा हो गई, चाइल्ड मैरिजेस हो गई, विधवाओं का शादी जो नहीं करना हो गया, ये बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो रूट में थी। भैया राजा राम मोहन रॉय तो एड़ी चोटी रगड़ के उन्होंने ये सारी चीजें खत्म करने की कोशिश की, और उस समय सोचिए उनको कितना ज्यादा रुकावटों का सामना करना पड़ा था। मैंने राजा राम मोहन रॉय की बायोग्राफी कवर की है, उसमें सारी चीजें डिस्कस की हैं, आप देख लीजिएगा। तो प्रभावती देवी जो थी वो तो एक बार में फ्रीडम फाइटर ही हो गई थी, ठीक है। प्रभावती देवी ने महात्मा गांधी के आश्रम को ज्वाइन कर लिया था, साबरमती आश्रम, और बाद में प्रभावती देवी ने यह बोल दिया था कि मैं सेलिब्रेट रहूंगी, क्योंकि महात्मा गांधी ने भी, महात्मा गांधी की भी मैंने ऑटोबायोग्राफी कवर की है, तो महात्मा गांधी ने तो सेलिबेसी की प्रतिज्ञा ली थी ना कि कभी भी मैं बिल्कुल प्योर रहूंगा और कोई भी सेक्सुअल रिलेशन किसी से भी मैं नहीं बनाऊंगा, यही प्रभावती देवी ने किया, ठीक है। और जब अमेरिका से वापस आए जेपी, क्योंकि अभी अमेरिका चले जाएंगे हायर एजुकेशन के लिए, और वहीं से ही वो उनका पहला फेज स्टार्ट हो जाएगा, मार्क्सिस्ट जो वो बन गए, वहीं पे वो कार्ल मार्क्स की राइटिंग से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए। तो जब वो वापस आए उन्होंने देखा कि मेरी बीवी ने सेलिबेसी की प्रतिज्ञा ले ली है, तो उन्होंने रिस्पेक्ट किया, गुस्सा नहीं किया, उन्होंने रिस्पेक्ट किया। अब आप खुद ही सोच लीजिए कितने ज्यादा शालीन थे जयप्रकाश नारायण, एक तरफ तो रेवोल्यूशनरी और दूसरे तरफ बिल्कुल शांत। तो ये चीज है, ये मैं बता चुका हूं, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जो लेक्चर दिया था पूरा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और रोलेट एक्ट जो आया था कि भैया कोई भी है उसको पकड़ के हम जेल में अंदर डाल देंगे, कोई सुनवाई नहीं होगी, इसी वजह से तो जलियांवाला कांड हो गया, और इसी की वजह से तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पूरा स्टार्ट हो गया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हिंदुओं के लिए, खिलाफत मूवमेंट मुसलमानों के लिए, तो यहां पे हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ मिलकर काम कर रहे थे। जयप्रकाश नारायण ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, लेकिन पढ़ना तो है, बिना पढ़ाई के तो आप नहीं कर सकते। तो अब ये अमेरिका चले गए, ठीक है, 1922 से लेकर 1929 तक ये अमेरिका में रहे दोस्तों, ठीक है, अमेरिका में ये रहे, और वहां की जो विस्कॉन्सन यूनिवर्सिटी है, ठीक है, बकले, वहां पे ये रहे, ठीक है। तो अब दोस्तों ऐसा था कि अमेरिका में जीवन बिल्कुल भी आसान नहीं था, कहां से आसान होगा, पैसा बहुत ज्यादा है नहीं, ठीक है। देखिए दोस्तों उस समय आप सोच रहे होंगे कि अगर ये इतने गरीब थे तो अमेरिका कैसे चले गए, दोस्तों शिप से गए थे, शिप से जाना सस्ता होता था, प्लेन एरोप्लेन नहीं था उस समय, था लेकिन हर कोई एरोप्लेन से नहीं गए थे, ये कि इतने सारे पैसे खर्च करके एरोप्लेन से जा रहे हो, वो तो किसी के पास नहीं होते थे, शिप से जाते थे, दो दो तीन तीन महीने लग जाते थे शिप से, छह छह महीने लग जाते थे, क्योंकि भैया कितनी दूर है अमेरिका भारत से। तो यहां पे ये शिप से गए और उसके बाद अमेरिका पहुंचे, लेकिन वहां पे पैसे नहीं थे तो क्या करे, तो इन्होंने काम करना शुरू किया, वहां पे ये वेटर बने। जी हाँ, आपने सही सुना, वहां पे ये वेटर बने, ये बर्तनों को मांजते थे, ये सब्जियों की दुकान पे काम करते थे, ठीक है, और बहुत सारे ऑड जॉब्स इन्होंने की, ठीक है, ताकि खर्चा चल सके। मीनवाइल इन्होंने बहुत सारी यूनिवर्सिटी बदली, क्योंकि बर्कले यूनिवर्सिटी की फीस बढ़ा दी गई थी, डबल कर दी गई थी, पैसे नहीं थे इनके पास, क्या करें। लेकिन यहीं पे ही कार्ल मार्क्स की राइटिंग्स ये पढ़ने लगे, कार्ल मार्क्स, लेनिन, ट्रॉट्स्की, ये सब जो रेडिकल थिंकर्स हुए हैं ना, जिन्होंने कम्युनिज्म की नींव रखी। हालांकि कार्ल मार्क्स ने तो कैपिटलिज्म को क्या पकड़ पकड़ के धोया है, वो तो मैंने आपको बताया ही था कि किस तरीके से पूंजीवाद बर्बाद करके रखा हुआ है, कार्ल मार्क्स ने तो ये बोल दिया है, और बिल्कुल सही है दोस्तों, शादी भी एक तरीके का कैपिटलिज्म है। आज शादी जो होती है वो क्या है, वो एक बिजनेस ही तो है। कोई इंसान अगर बहुत ज्यादा प्यार कर रहा है किसी भी, कोई कपल एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं और काफी इंडल्ज हैं, और अगर कहीं पे ऐसा लगा कि एक दूसरा इंसान आया है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो 90% केसेस में दोस्तों वो दूसरा इंसान बाजी मार ले जाता है,
वहां पे शादी हो जाती है, बिजनेस एग्रीमेंट हो जाता है। यही तो आजकल हो रहा है ना कि लोग इमोशंस पे नहीं जा रहे, लोग प्यार को नहीं देख रहे। तभी तो बोलते हैं ना प्यार, आजकल प्यार रह कहां गया है, लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि पैसा कहां कितना ज्यादा है। ये तो कार्ल मार्क्स ने सीधा सीधा बोला था कि भैया शादी भी एक तरीके का बिजनेस एग्रीमेंट हो गई। और बाद में दोस्तों ये चीज सही नहीं होती है, क्योंकि अल्टीमेटली बाद में बहुत दुख होता है, पूरा ये एक डिस्ट्रक्शन पाथ होता है, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो अब दोस्तों यहां पे कार्ल मार्क्स ने जो कैपिटलिज्म को पकड़ पकड़ के धोया है, वही जयप्रकाश नारायण पढ़ने लगे और जेपी यहां से पूरे मार्क्सिस्ट हो गए, ठीक है, पूरी पूरे पूरे की तरह से मार्क्सिस्ट हो गए। वो उनको ये पता चल गया कि भारत में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है वेल्थ की जो इनइक्वालिटी है, जो कल्चर है इस समय, इतना कास्टिज्म फैला हुआ है, क्या बताएं। और कास्टिज्म दोस्तों आज भी फैला हुआ है। मैं पैरेलली आपको भारत की प्रॉब्लम्स भी बताता चलूंगा, क्योंकि बहुत जरूरी है बताना कि जो जेपी ने सोचा था और जो आज हो रहा है वो कितना अलग है, एक दूसरे से कितना डिफर कर रहा है। तो ये पूरे मार्क्सिस्ट हो गए, ठीक है, मार्क्सिस्ट आइडियाज इन्होंने एडवोकेट किए। उसके बाद जब भारत भी आए, जवाहरलाल नेहरू तो इनसे बहुत प्रभावित है। दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि जब 1947 में भारत आजाद हुआ था और जवाहरलाल नेहरू अपनी सरकार बना रहे थे, तब जवाहरलाल नेहरू ये चाहते थे कि हर आइडिया उनकी कैबिनेट में शामिल हो, हर किसी को वो इंक्लूड करना चाहते थे। आपको पता है बहुत लोगों ने ये, मतलब ये पूरी चर्चा चल गई थी कि जेपी को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर तक की पोस्ट ऑफर की गई है, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए इनका नाम आगे चला था, आप सोच सकते हैं। लेकिन जेपी ने कभी भी सत्ता के लालच में पॉलिटिक्स की ही नहीं। ये जो अमेरिका में रहना 7 साल, यहां पे इनका पूरा सब पूरी सोच बदल गई। इन्होंने कभी भी कुर्सी के लिए पॉलिटिक्स नहीं की, चाहते तो ये आराम से ये सारी पोस्ट जो है उसको ले सकते थे। लेकिन सीधा इन्होंने नेहरू से बोल दिया, तुम्हारे विचार अलग हैं, हमारे विचार अलग हैं, हम लोग का मिलन नहीं हो सकता। इंदिरा गांधी से जो अक्सर हम बोलते हैं कि जेपी इंदिरा गांधी से बढ़ गए, इंदिरा गांधी को ये मेरी प्यारी इंदू करके बुलाते थे। तो वो चीजें खैर हम देखेंगे, ठीक है। एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूं जयप्रकाश नारायण से, तो इसीलिए मैं आपको काफी चीजें एक साथ बता दे रहा हूं। आई एम रियली सॉरी अगर किसी को जरा से भी कंफ्यूजन हो रही है, होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो रही है तो मैं माफी मांगता हूं, क्योंकि मैंने बहुत पढ़ा है जयप्रकाश नारायण को, और आप भी पढ़िएगा, बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। तो ये है कि जब ये भारत वापस आए 1929 में, उसके बाद इधर भारत में क्या हो रहा था, भारत में मूवमेंट चालू हो गए थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू हो गया था, इधर लाहौर सेशन हो गया था, नेहरू रिपोर्ट आ गई थी 1930 में ना, कि जब अंग्रेजी सरकार ने बोल दिया था 1927 में जब साइमन कमीशन आई थी, तो उसमें क्या था, उसमें यह बोल दिया था कि भैया भारत का कोई नुमाइंदा नहीं है। नुमाइंदा कहां है भारत का, कानून अगर तुम बना रहे हो तो भारत के लोगों को तो शामिल करो। तो यहां पे अंग्रेजों ने बोला था कि तुम बनाओगे कानून, तुम जाके पहले अपने आप को देख लो, शीशे में शक्ल देखो, तुम अनपढ़ गंवार लोग। मूड खराब हो गया था, जवाहरलाल नेहरू ने 1 साल में पूरा कानून का ड्राफ्ट तैयार करके नेहरू रिपोर्ट निकाल दी थी, तमाचा था ये ब्रिटिश सरकार के ऊपर, तो वो पूरा यहां पर चालू था। तो यहां पर जेपी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मीनवाइल दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कार्ल मार्क्स को पढ़ने लगे थे, इनको सोवियत से भी ऑफर आया था, ठीक है, सोवियत से इनको इनविटेशन आया था, मॉस्को आ जाइए और बोल्शेविक बन जाइए, क्योंकि भैया सोवियत में तो 1917 बहुत सारी चीजें दोस्तों मैं एक साथ बता रहा हूं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो जो मैं बता रहा हूं उसके सारे लेक्चर्स मैंने कवर किए हैं, लेनिन की बायोग्राफी का भी लेक्चर पूरा अवेलेबल है, लाखों लोग उसे देख चुके, आप देख लीजिएगा। तो 1970 में तो रशियन रेवोल्यूशन आ गया था, और सोवियत क्या चाह रहा था, सोवियत ये चाह रहा था कि जितने भी लोग मार्क्सिस्ट है और जिनकी आइडियोलॉजी जबरदस्त है उनको अपने साथ ले लें। उसमें एक जेपी थे, तो जेपी को बुलावा आया, तो जेपी ने अपनी वाइफ प्रभावती देवी से बोला कि आप हमारे साथ चलिए, सोवियत चलिए, लेकिन प्रभावती देवी ने दोबारा इनकार कर दिया। पहली बार इनकार किया था कि जब जेपी ने बोला था कि अमेरिका चलो, मैं अमेरिका जा रहा हूं, अमेरिका चलो, तब उनकी वाइफ ने इनकार कर दिया था कि मैं नहीं जाऊंगी, और दोबारा जब उन्होंने बोला कि मेरे साथ सोवियत चलो, तब भी उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन जेपी बड़े शालीन थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मत जाओ, मैं अकेले चला जाऊंगा और बोल्शेविक बन जाऊंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, क्योंकि इनके पिताजी ने, जेपी के पिताजी ने उनको मना कर दिया था कि तुम बोल्शेविक मत बनो। तुम, आपको पता ही ना दोस्तों कि सोवियत रेवोल्यूशन जब आया था तो दो ग्रुप थे, एक मेंशेविक और एक बोल्शेविक, और बोल्शेविक ये जो पूरा ग्रुप था ये जीता था, ठीक है, और ये लेनिन का था, ठीक है।
तो यहां पे इनके पिताजी ने बोला कि इसके बदले तुम भारत आ जाओ। आपको पता है कि जयप्रकाश नारायण इतना ज्यादा अमेरिका में जाके पढ़ाई में डूब गए थे, कार मार्क्स को इतना ज्यादा पढ़ने लगे थे कि एक साल तक इन्होंने अपने फैमिली से कॉन्टैक्ट तक नहीं किया था। इनकी फैमिली बहुत ज्यादा चिंतित हो गई थी कि कहां है हमारा बच्चा, क्या कर रहा है, तो इस तरीके की हालत हो गई थी। बहरहाल अब दोस्तों ये जब भारत आए, ये जा रहे थे गांधी जी से वर्धा मिलने, और वहीं पर इनको पता चला कि मेरी बीवी ने सेलिबेसी की प्रतिज्ञा ले ली है। इन्होंने रिस्पेक्ट किया, महात्मा गांधी से मिलने ये वर्धा जा रहे थे। अब जैसा जब ये वर्धा पहुंचे तो वहां पे इनकी मुलाकात हुई जवाहरलाल नेहरू से। जवाहरलाल नेहरू इनसे बड़े प्रभावित हो गए और तुरंत ही इनको ऑफर कर दिया कि आप तुरंत भैया पार्टी में आइए, आप जैसा टैलेंट जो है ना वो बाहर नहीं रहना चाहिए, पार्टी में ले आए। लेकिन दोस्तों 1932 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जेल हुई इनको, कुछ समय तक जेल में रहे, और जब ये रिलीज हुए इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। अब दोस्तों ये कांग्रेस पार्टी का एक पार्ट थी। क्या क्या भारत में हुआ है दोस्तों, मुझे तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं पढ़ता हूं कि डेमोक्रेसी में कम्युनिज्म घुसा हुआ है। ये भारत की ताकत है और ये सिर्फ और सिर्फ भारत में ही संभव है। तो यहां पे दोस्तों कांग्रेस का एक पार्ट था, एक फैक्शन था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, और ये जेपी चाहते थे कि इस तरीके का जो फैक्शन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है भारत के लिए। ठीक है, हम एक विचारधारा ऑलरेडी लेके चल रहे हैं, लेकिन कम्युनिज्म भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये तो जेपी ने सीधा बोला था, क्योंकि कम्युनिस्ट ने तो किनारा कर लिया था ना जितने भी भारत थे, तो जेपी ने बोला था कि जितने भी भारत के कम्युनिस्ट हैं वो यहां पे मेन मूवमेंट में आए और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में और मूवमेंट्स में हिस्सा ले, भारत को नए बनाने की, मतलब एक नवीन भारत की बनाने की पूरा अपना सहयोग दे। तो ये चीज है। अब दोस्तों आचार्य नरेंद्र देव प्रेसिडेंट बने और नारायण जो है वो जनरल सेक्रेटरी बने। ये एक ग्रुप था, एक लेफ्ट विंग ग्रुप था, ठीक है। तो ये चीज थी, लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं। और आपको ये भी बता दूं कि 1935 में जब इलेक्शंस हुए थे और कांग्रेस पार्टी ने लड़ने का सोचा था और लड़ी भी थी इलेक्शंस, तो जेपी ने पूरा विरोध किया था कि ब्रिटिशर को बिल्कुल हटा दो, इलेक्शंस मत लड़ो, ऑल आउट रेवोल्यूशन कर दो, अपने आप ही लोग छोड़ के भाग जाएंगे। यही हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने यही किया, जिसकी वजह से ब्रिटिशर भाग गए। सुभाष चंद्र बोस की भी ऑटोबायोग्राफी का रिव्यू है। तो ये चीज है, 1942 में इनको जेल हुई, ठीक है, और उसके बाद हजारीबाग सेंट्रल जेल भी फांद के भाग गए थे पांच लोगों के साथ, पांच कॉमरेड्स के साथ। लेकिन 1943 में इनको पंजाब से वापस गिरफ्तार कर लिया गया, और 1946 में जब इनको छोड़ा गया, दोस्तों राम मनोहर लोहिया और जेपी ये दो इतने बड़े लीडर बन के उभरे थे, दोनों यंग थे और दोनों सोशलिस्ट लीडर बन के उभरे थे। राम मनोहर लोहिया का समाजवाद, लोहिया का सोशलिज्म, वो भी मैं आपको बताऊंगा, पूरा का पूरा बताऊंगा। तो दोनों सोशलिस्ट लीडर बन के उभरे थे और कंधे पे बिठा लिया था कि भैया हमारे दिल में खाली जेपी बसते हैं। और 1940 के ही दौरान दिनकर ने, राष्ट्रकवि दिनकर ने सीधा बोल दिया था, उनको पता चल गया था कि जेपी जो है ना यही भारत का भाग्य बताता है। कविताएं बहुत ज्यादा उन्होंने लिखी हैं, सरा दिनकर की वैसे तो कविताएं क्या जबरदस्त वो लिखते थे, राष्ट्र कवि उनको ऐसे ही नहीं बोला गया है। उसके बाद दोस्तों नेहरू ने भी बोला कि आप हमारी पार्टी में आइए, जेपी ने नहीं किया। यहां पे दोस्तों दूसरा फेज स्टार्ट हो गया, सर्वोदय। ये बिल्कुल एक अलग फेज था, जब आचार्य विनोबा भावे अपना पूरा भूदान ग्रामदान मूवमेंट चला रहे थे। मैं फिर बता रहा हूं, मैंने भूदान मूवमेंट, सर्वोदय मूवमेंट और आचार्य विनोबा भावे पे पूरी एक सेपरेट सेशन लिया है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो सर्वोदय प्लान ले किया है जेपी, उन्होंने कहा कि सर्वोदय जो कि महात्मा गांधी का आइडिया था, सीधा ये अपनाओ, एग्रीकल्चर को बढ़ावा दो, गांव को इतनी ज्यादा ताकत दे दो कि वो अपनी इंडस्ट्रीज बना लें, कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलेगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलेगा, जो सरकार का बहुत ज्यादा दखल है वो कम हो। सर्वोदय का मतलब संस्कृत वर्ड है दोस्तों, यूनिवर्सल अपलिफ्टमेंट, सबका अपलिफ्टमेंट, कोई अनइक्वालिटी नहीं हो, सबको साथ लेके चलो। तो ये पूरा का पूरा सर्वोदय है। अब दोस्तों उस समय किसानों की हालत बहुत खराब थी, यहां पे क्या हो रहा था, बहुत सारी जमीनें जो थी वो जमींदार के पास थी, वो छोड़ने को तैयार नहीं थे। तो आचार्य विनोबा भावे ने 1950 और 1960 के बीच में गांव गांव गए और जमीनों की मांग की कि जमीन दान करो, इसीलिए तो बोला गया ना भूदान मूवमेंट। तो वहां पे जमीनें दान दी गई और सर्वोदया प्लान, भूदान मूवमेंट, ये सब बहुत ज्यादा सक्सेस हुए। लेकिन दोस्तों
इसके बाद कुछ ऐसा हुआ, सर्वोदय मूवमेंट पे दोस्तों मैं अभी तो फिलहाल इतना नहीं बोल पाऊंगा, इस पे मैंने सेपरेट लेक्चर बनाया, आप देख लीजिएगा। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ, जेपी की जिंदगी अब बदलनी शुरू हो गई। एक बार जवाहरलाल नेहरू का देहांत हुआ मई 1964 में, उसके बाद सब कुछ बदल गया दोस्तों। वो क्या है और किस तरीके से दोबारा पॉलिटिक्स में आए जेपी और सब कुछ तहस नहस करके भारत को एक नई दिशा दे दी, लेकिन वो चल ही नहीं पाया भारत। न्यू इंडिया जो है वो बन तो गया था, संभाल नहीं पाए लोग, वो अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, देश सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।